यार ये है एक हीट सीलिंग मशीन, ठीक है। एक छोटी सी मशीन है, बिल्कुल मज़ेदार सी चीज़ है। मैं भी आपको चेक भी कराता हूँ इसको टेस्ट करके। उसके अलावा इसमें क्या सीन है कि इसके बॉक्स में हमें सिर्फ ये मिलता है, उसके अलावा हमें बैटरीज नहीं मिलती, और बैटरीज हमें अलग से लेनी पड़ेंगी, मतलब अलग से लेनी पड़ेंगी और ये लेनी पड़ेगी, अदरवाइज इसको कैसे चलाओगे मुझे बताओ ना। है कोई हल? मुझे भी बता दो अगर है कोई हल। इसकी दो बैटरीज चलती हैं, ठीक है। इसकी प्राइस ना ऑलमोस्ट चल रही है 60 रुपीज़ ना द्रास पे, लेकिन इसमें डिलीवरी चार्जेस हमें पड़ रहे हैं 100 रुपीज़, तो बन गया ये 160 रुपीज़ का, ठीक है। इसमें अगर बैटरीज अगर डालनी है आपने, बैटरीज के कह दो ये चलेगा नहीं, तो ये बैटरीज है एक सेल है, जो ये है 20 रुपये का, 20 20 हो गए 40। इसका बटन कोई नहीं है, इसका एक तो बटन कोई नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इसको मैं ऐसे सेल बैटरीज के अंदर डली हुई है, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया है, तो ये इसका ये जो है ये हीट नहीं होता है। मैंने यहाँ पे हाथ लगा के भी देखा है, जो ही ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं ये फिर ना हीट होने लग जाता है। इसके अलावा अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ से इसको लॉक लगा सकते हो। ये लॉक लग गया, अब ये ना यूज़ में नहीं आया। इतनी क्वालिटी में ना, मतलब इतनी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि 60 रुपीज़ है, मुझे खुद ख्याल करना चाहिए, ये बात करते हुए मुझे खुद ख्याल करना चाहिए था, लेकिन फिर भी नॉर्मल है इतनी, मतलब कि प्लास्टिक है हल्की सी, और ये प्लास्टिक के बैग्स को ही ना सील कर दिया, वो भी आपको चेक करवाता हूँ। मेरे पास अभी ये भी है, ये चीटोज ये स्लंटी लेस पड़े हुए हैं, तो इनको हम चेक करेंगे ये अच्छे से पैक करता है कि नहीं। बेसिकली सीन क्या था, हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसको वापस से, मतलब लेस खाए हाफ खा लें, उसको छोड़ देंगे वो खराब हो जाएंगे, वो एक नरम से हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसको वापस से सील कर देंगे ताकि वो जैसे थे वैसे फ्रेश रहे, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा आपको बड़े बड़े हैवी वाले सील भी मिल जाते हैं, सीलिंग मशीन भी मिल जाती है, लेकिन वो एक्सपेंसिव होती है। ये 60 रुपीज़ की है, मतलब ठीक है, काफ़ी प्राइस में सस्ती है। इसका काम चेक करते हैं अभी कैसा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, किस किस को मैं करूँ, करना पड़ेगा। ये भी पहले ना ऑलरेडी ना किसी प्लास्टिक बैग, किसी ना प्लास्टिक वो सीलिंग मशीन से ना किया हुआ है इसको, ये बड़ी वाली होनी है वो, लेकिन ये छोटी सी है और काफ़ी सस्ती सी है, तो इसको भी टेस्ट करते हैं। अभी चेक करते हैं इसको ऐसे करके, अगर एक ही जगह पे रखे गए ना, मतलब उसको रहने दिया एक ही जगह पे, तो ये ना वहाँ पे सुराख कर देगा। अभी आपको चेक करवाता हूँ, ये चेक करें, मतलब वहाँ पर ना एक सुराख हो जाएगा, ये देखिए जैसे कर रहा हूँ ना, इधर ही मैंने रखा हुआ है, मैंने हिला नहीं रहा हूँ इसको ना, वहाँ पर ही है, तो यहाँ पर ना एक सुराख कर देगा, ये देखें। तो ये जो सीलिंग है वो भी हो जाती है ऑलमोस्ट, लेकिन ना इसको आप थोड़ा सा करके ना प्रेस करके ना जाते जाएं इस तरह, इतनी जल्दी स्पीड में भी नहीं जाना सर, नॉर्मल ही ना ये चेक करें, वो होता जा रहा है, चेक करें थोड़ा नॉर्मल आराम से स्पीड में ना, थोड़ी सी हल्की स्पीड में। ये क्या करता है, हीट करता है ना, तो जो हीट करता जाएगा उनको लगाता जाएगा। ये देखें ये उतर गया, ऊपर वाला उतर जाएगा, और अंदर से इधर से अगर सीलिंग हुई है ना, ये आपको चेक करवाता हूँ, ये बिल्कुल बंद, इधर से ओपन है, ये चेक करें, इधर से ओपन है और इधर से बंद है, तो इसको अभी ओपन कर लेते हैं फिर से। तो ये ऐसे करके ओपन होती जा रही है, ठीक है, ये बंद बंद थी, ये ओपन हो रही है, ठीक है। इसको फिर से आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा और दिखाता हूँ इसका सिस्टम, तो ऐसे करके ना चलते जाना, चलते उधर ही रखोगे ना वो सुराख कर देगा, वो देखें उधर ही रखूँगा ना मैं, उधर ही पकड़ के रख लूँगा, तो वहाँ पर ना ये सुराख कर देगा, ठीक है। फिर भी सीलिंग नीचे वाले ऐसे कर देगा, नीचे वाला पोर्शन कर देगा सील ना ये वाला, लेकिन यहाँ से आपने क्या करना है, इसको ऐसे ना मूव करते जाना है, थोड़ी ना स्लोली, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, थोड़ी स्लोली करके ऐसे मूव करते जाना है, ऊपर वाला पोर्शन ये कट कर देगा, नीचे वाला सीलिंग हो जाएगा, ये देखें ज़रा। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं इधर को, ठीक है, ये चेक करें, इसने उसको उसने बिल्कुल ही खुद ही कट कर दिया साइड पर, और ये देखें मेरे ख्याल से तो अच्छी वाली ना सील हो गई है, इधर ना आपको नज़र आ रही है लाइन सी ना, ठीक है। तो ये बिल्कुल ना उसने बंद कर दिया वैसे उसने उसको, ये देखें इधर से उतर कोई नहीं रहा, ये ओपन हो गया, अभी जिसको करते हैं बंद, ठीक है। इन्हें लेस की ज़रा प्लास्टिक थोड़ी सी ना मोटी है, ठीक है, तो आपने ज़रा स्लोली जाना है, लेकिन एक जगह पर रुकना नहीं है, एक जगह पर रुकोगे तो वो उसको ना कर देगा, वहाँ से फाड़ देगा, वहाँ पर सुराख सा कर देगा, तो आपने स्लोली स्लोली जाना है लेकिन रुकना नहीं है। ऐसे मैं जाई जा रहा हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे फील होगा जैसे कुछ है ही नहीं इसमें, ये जी बिल्कुल स्लो जा रहा हूँ, और ये ठीक है, ये भी आप चेक करो, ये चेक करो जी, उसे बिल्कुल ही ना लॉक कर दिया उसको, अगर आपको नज़र आ रहा ना, मैं यहाँ से इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे करके ओपन हो रहा है वो ना, थोड़ा सा आपको ना अगर फील हो रहा, इतनी हार्ड सीलिंग नहीं करता वो, अगर हार्ड करनी है तो ज़्यादा अच्छे से प्रेस करना पड़ेगा। एक दफ़ा आपको हार्ड वाली भी करके दिखाता हूँ, तो यहाँ से भी आपको ये ओपन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सीन ना, थोड़ी देर ना वहाँ पे रखो, क्योंकि ये सीन ना ज़रा मोटा है ज़रा ना लेस का पैकेट ना, तो थोड़ी देर कोशिश करो कि वहाँ पे रहा रहे, मतलब जितनी प्लास्टिक मोटी होगी उतना आप रख लोगे तो कोई इतनी टेंशन नहीं होगी,
प्लास्टिक थोड़ी सी पतली हुई तो वो थोड़ी सी टेंशन को देगा, वहाँ पे पिघल जाएगा वो। अभी देखिए मैं बिल्कुल स्लो जा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल स्लो जा रहा हूँ मैं। यहाँ से मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टी सीन है। ये चेक करो अभी आप, बिल्कुल बंद हो गया, ठीक है। और ये देखें ऊपर से, इसको अगर आप थोड़ा सा, ठीक है, अगर इसको ओपन करना भी तो ये देखें, ये देखें वैसे ओपन हो रहा है। तो यार अभी ये ब्रेड का ना प्लास्टिक बैग है, ठीक है, यहाँ से देख के अगर ओपन है, इसके अंदर ब्रेड तो नहीं है, वैसे खैर मैं ले गया हूँ। तो अभी ये बिल्कुल हल्की क्वालिटी का ज़रा, तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ ताकि ज़रा अच्छा हो जाए। तो इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ तभी वहाँ से प्लीज़ पकड़ दें। तो ये भी चेक करवाता हूँ आपको। तो ये तो लादा होगी, ये भी लादा करनी है, कर लो, कोई टेंशन नहीं है अदरवाइज। तो ये चेक करो आप, यहाँ से अगर आप ओपन करोगे तो ये यहाँ से बंद है बिल्कुल ना, ये आप चेक करो यहाँ से ना सीन। इसको अगर ओपन करूँगा तो इसको ऐसे करके ना, ये देखिए नहीं ओपन हो रही, ऐसे ना फाड़ नहीं पड़ेगी वो, देखिए ये फाड़ रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ठीक कर रहा है, मतलब काम कर रहा है ये ना। और इसी तरह ये चिटोज का, सलंटी का, जिसका चाहे उसका कर सकते हैं, देख लो, ठीक है, गीला हो गया हूँ सारा। पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है, बीच में इसकी मतलब माइक की आवाज़ नहीं जाती, तो पंखे की आवाज़ अंदर आती है, तो चेक करो गीला हो गया सारा, मतलब चेक कर रहे हो। अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में, ठीक चीज़ है, अच्छा काम कर रही है। लेस खोला है, अभी नहीं खाने का दिल कर, ऐसे फोल्ड करके, ऐसे फोल्ड करके, ऐसे फोल्ड करने से अच्छा मेरे ख्याल में बंदा ये एक सस्ती सी चीज़ ले ले। मेरे इसका जो काम मुझे नज़र आ रहा है वो है लेस वगैरह हो गई, बंदा खाए उसको बंद कर ले, कोई ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हो गई जिसको बंदा प्लास्टिक बैग देना छोटे छोटे से उसको बंद कर सकता है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ होती है बंदा मतलब जो ओपन नहीं रख सकता ना उसको, तो उसको ऐसे बंद किया जा सकता है। कहना और क्या चीज़ है मतलब ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें काफ़ी खाता रहता हूँ, तो मुझे मतलब कभी कभार पेट फुल हो जाता, तो फिर मैं पेट फुल हो जाता करके क्यों नहीं खाते तुम, पेट नहीं बाहर की ज़्यादा मजे की होती है, तो अच्छा, तो इसलिए भी मुझे काफ़ी मतलब मतलब तुम ये यूज़ करोगे या बल्कि तुमने छोड़ने कुछ नहीं होता, तुमने क्या सील करना है इसको। खैर इसकी बातों में नहीं आना, और बोलो और क्या, बस वीडियो को लाइक करते जाएं और वीडियो को ऊपर से ऊपर ले जाएं, ट्रेंडिंग पकड़ के ना इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर से फेंक दो तीसरी मंजिल से ना, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपको इस तरह की न्यू वीडियोज़ में, न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इसको चेक करो, ठीक है, बाय बाय।